आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। देखिए आगे तो बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं। आगे तो बढ़ना है, पीछे कहाँ हटेंगे? पीछे हटने का नाम असदुद्दीन ओवैसी है ही नहीं। अरे आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ेंगे ही तो हर पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है ना। अरे आगे बढ़ेंगे भाई, किसके साथ बोल, तो हमें काबिलियत है, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो सियासी सफर रहा है और आगे भी रहेगा, तो उसमें हमारी कोशिश रही, मेहनत रही, लोगों का साथ रहा और रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर कल आपने बयान दिया कि लिबरल फोर्सेस के खिलाफ आपको काम करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के साथ आपने गले मिले कल, और इस पर क्या कहेंगे सर? क्या नहीं, गले मिलना गुनाह है क्या? हरे रंग में सफेद भी जुड़ना है। हाँ, हरे रंग के ऊपर सफेद। अरे भाई, तिरंगे में हरा भी है, सफेद भी है, सैफरन भी है। अरे नहीं, नेशनल फ्लैग में सब रंग है। अच्छा, आप लोग देख ही नहीं रहे नेशनल फ्लैग को। अच्छा, मेरे को हरे से क्यों जोड़ रहे आप, ये बोलिए आप। मैं तो सफेद शेरवानी पहनावा हूँ, हरे से जोड़ना है क्या मतलब है? मुसलमान है तो हरा ऊन हरे भाई। एक अब ऐसा हो गया तो क्या तरबूजा मेरा है, खरबूजा आपका है क्या, संतरा आप? अरे देखिए, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि पहले आपके दोस्त की बीआरएस के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ आपकी दोस्ती। देखिए एक बात सुनिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए, तेलंगाना में अमन को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना में फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए, ये हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है नंबर वन, और हम पिछले 10 साल से भी करते आए, अभी भी हमको करना है। इसलिए हैदराबाद हो या तेलंगाना, वहां पर कम्युनल राइट से सब चीजें नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आकर मेट्रो के जो एक लाइन बची हुई थी हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, काम हो गया हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मेट्रो का, मगर एक लाइन जो बची हुई थी जुबली बस स्टैंड से फलोक नोमा का, उन्हें फाउंडेशन स्टोन डाला। और दूसरा, उन्होंने मिरालम में, मिरालम के पास एक ब्रिज का भी उन्होंने मंजूरी दी। तीसरा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड वाइडनिंग के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा किया। तो इसमें बुरी बात क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए ना तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए हाँ, वो आप लोग बोलते थे अमित शाह, अब आप अमित शाह के जमाने में बोल रहे हैं। मैंने आरोप प्रति आरोप तो चलते रहता है ना, इलेक्शन है, तेलंगाना की आवाम ने उनको सत्ता दी है, तो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और हमको हैदराबाद को आगे लेके जाना है, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। सर, आप कांग्रेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समझे? पहले आप बीआरएस के साथ आपकी दोस्ती का हाथ था, देखिए, और इज इट अबाउट द बिगर डेंजर ऑफ बीजेपी दैट यू वांट टू कीप आउट सो यू कैन जॉइन हैंड्स? देखिए आगे तो बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं। आगे तो बढ़ना है, पीछे कहाँ हटेंगे? पीछे हटने का नाम असदुद्दीन ओवैसी है ही नहीं। अरे आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ेंगे ही तो हर पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है ना। किसके साथ? अरे आगे बढ़ेंगे भाई, किसके साथ बोल, तो हमें काबिलियत है, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो सियासी सफर रहा है और आगे भी रहेगा, तो उसमें हमारी कोशिश रही, मेहनत रही, लोगों का साथ रहा और रहेंगे, आगे बढ़ेंगे।